The angle between the pair of straight lines formed by joining the point of intersection of x square plus y square is equal to 4 and y is equal to 3x plus 3 to the origin is a right angle. Then c square is equal to. तो सबसे पहले जब भी हमें कोई भी ऐसे कर्व दिया हुआ हो उसको हमने लाइन ड्रॉ करी हो कहाँ से, ऐसे ना एक लाइन ने ऐसे कट किया हो, ठीक है, और हमें बताना हो कि इन दोनों पॉइंट को ओरिजिन से जॉइन करने वाली जो लाइन होती है वो क्या एंगल बनाती है, दोनों लाइनें आपस में क्या एंगल बनाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सिर्फ एक मेथड यूज करते हैं, होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन क्या होता है, सी हमारे पास में दो सर्कल हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और दूसरी स्ट्रेट लाइन है वाई इज इक्वल टू 3x प्लस सी। लेकिन अगर मैं यहां देखूंगा तो फर्स्ट टर्म में एक्स और वाई की पावर का सम क्या है, 2। यहां भी एक्स और वाई की पावर का सम कितना है, 2, बट यहां पे एक्स और वाई की पावर का सम है 0। तो होमोजेनाइजेशन में क्या करते हैं, हम सारी टर्म्स ऐसे कर देते हैं कि हर टर्म में एक्स और वाई की पावर्स जो हो उनका सम क्या हो जाए, 2। तो अब देखते हैं 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को मैं 4 इंटू 1 स्क्वायर लिख सकता हूं। अब 1 की वैल्यू क्या होगी देखते हैं, तो यहां से मैं चाहूं तो मैं 1 क्या लिख सकता हूं, y माइनस 3x अपॉन c, इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू 1। ओके, तो जगह y माइनस 3x इज इक्वल टू 1, तो यहां पे मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू y माइनस 3x अपॉन c का होल स्क्वायर, ऊपर जगह y माइनस 3x का होल स्क्वायर, नीचे जगह c स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो c स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा यहां से, तो इक्वेशन हो गई c स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 24 टाइम्स ऑफ xy प्लस 36 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। और सिंपलीफाई करते हैं इसे तो वैल्यू क्या जाएगी, यहां से हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा माइनस, प्लस में क्या जाएगा 24 xy हमारा प्लस में आ जाएगा। फिर क्या जाएगा यहां से, x में क्या है हमारे पास में c स्क्वायर x स्क्वायर और इधर है 36x स्क्वायर, तो प्लस में क्या जाएगा c स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर ये जाएगा इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, x स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूं पूरे में से, तो अगर x स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या जाएगा, x स्क्वायर बाहर आ गया, बचा क्या हमारे पास में, ये हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास में c स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा y स्क्वायर बाई x स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 24 y बाई x प्लस c स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो अगेन अगर मैं ध्यान से देखूं तो कोई भी जो लाइन हमारी ओरिजिन से पास करती है और यहाँ पे कट कर रही होगी वो किस फॉर्म में होगी, y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में होगी, बिकॉज वो ओरिजिन से पास करती है। तो मीन्स ये दो पॉइंट पे जो इंटरसेक्शन कर रही है ना, हमारा जो कर्व है ये क्या है, ओरिजिन से जो पास करोगे इसके दो रूट्स होंगे, लेट्स से y इज इक्वल टू एम एक्स बोलता हूं मैं, है ना, तो y बाई एक्स की वैल्यू क्या होगा, यहां से m हो जाएगी सिंपली। तो हमारी जो इक्वेशन हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन c स्क्वायर माइनस 4 वो हो जाएगी c स्क्वायर माइनस 4 m स्क्वायर प्लस 24m प्लस c स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें गिवन है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस हमें गिवन है कि जो हमारी दोनों लाइंस है, दोनों लाइंस ध्यान से देखें वो क्या करती है, ओरिजिन पे राइट एंगल ड्रॉ कर रही है। तो राइट एंगल ड्रॉ करने की मीन्स m1 और m2 के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। और जब भी कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस 1 होता है। तो यहां से देखा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1, जहां m1 और m2 क्या है, इस लाइन के रूट्स होते हैं, ठीक है, तो m1 इंटू m2 माइनस 1 हो गया। तो वैल्यू क्या गई, c स्क्वायर माइनस 36 अपॉन में क्या जाएगा, c स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे तो वैल्यू क्या जाएगी, यहां से c स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस c स्क्वायर प्लस 4। तो यहां से 2c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो c स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, इक्वल टू 20। तो यहां से हमें c स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी विच इज इक्वल टू 20, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 20।